प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। Bye.
Ah, 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 ah,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंधेक अध्याय 9, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग, श्लोक संख्या 43। सूत उवाच कृष्णे, श्लोक एवं भगवती मनः वाक दृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानं आवेश्य सः अन्तःश्वासः उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवित्तिभिः आत्मान्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनो वाग् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मान्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनो वाग् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मान्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। कृष्णमेवं भगवती मनोवाग् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मान्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत उवाच
कृष्ण एवं भगवती मनोवादृष्टिवृत्तिभिः आत्मान्यात्ममावेश्य माताय सूत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवादृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वासौतारमत् शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ सूत उवाच, श्रील सुत गोस्वामी ने कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में एवं एकमात्र भगवती श्री भगवान में मनः मन से वाक वाणी से दृष्टि दृष्टि से वृत्ति भी कार्यों से आत्मनि परमात्मा में आत्मानम् जीव को आवेश्य लीन करके सह वे अंतः श्वास श्वास खींच कर उपारमत शांत हो गए। अनुवाद श्रील सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमयी सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। वे हैं 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 चरण कमल की सेवा पाद सेवन, 5 अर्चन, 6 स्तुति, 7 आज्ञापालन, 8 सख्य तथा 9 आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसे अवस्था प्राप्त करना चाहता है उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित न भी हो। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के श्री भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे श्री भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक श्री भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से
भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज विशेष तिथि है। कौन सी तिथि? आज मकर संक्रांति। तो इस श्लोक के ऊपर हम प्रवचन कर रहे हैं क्योंकि इसका विशेष अर्थ है। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? भीष्मदेव ने भीष्मदेव ने अपने प्राण जो थे वो उत्सर्ग, क्या क्या हिंदी होते हैं, प्राण त्याग किए थे। तो और क्या होता है मकर संक्रांति के दिन? उत्तरायण। उत्तरायण मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और भगवान का नाम उत्तरायण है। अच्छा, और उत्तरायण में क्या होता है उत्तरायण के दिन? दिन और रात बराबर रहते हैं। अच्छा, और कोई भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उत्तरायण के दिन प्रवेश किया था। परीक्षित महाराज की रक्षा उत्तरायण के दिन। अच्छा, फिर अब मुझे कुछ नया नया जानने को मिल रहा है। उत्तरायण के दिन सामान्यतः सूर्य जो है उत्तर आयन मतलब उत्तर दिशा में जो है वो बढ़ता है, उत्तर दिशा में बढ़ता है। तो ऐसे साल के जो पूरे वर्ष में जो 12 महीने होते हैं तो 6 महीने दक्षिण दिशा में बढ़ता है और बाकी 6 महीने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करता है। तो आज से जो ठंड जो ऋतु होती है, ठंड की ऋतु होती है, वो आज से धीरे 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 कम होती है और फिर ग्रीष्मकाल शुरू होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि उत्तरायण के समय पे शुक्ल पक्ष में दिन में अगर कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, और दक्षिणायन में अगर कृष्ण पक्ष में अगर कोई रात्रि में देह त्याग करता है तो उसको चंद्रलोक का वास मिलता है, जहाँ की वापस उसे भौतिक जगत में मनुष्य शरीर में वापस आना पड़ता है इस भौतिक धरातल पर। तो भीष्म पितामह के बारे में वर्णन है कि उन्होंने 58 दिवस, 58 क्या बोलते हैं, 58 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 58 दिन तक प्रतीक्षा की उत्तरायण आने की, जिससे कि वो अपना देह त्याग कर सके। हाँ, तो भीष्मदेव के पास ये वरदान था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार देह त्याग कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने 58 दिन तक प्रतीक्षा की, बाणों की संख्या पे लेटे रहे, और उत्तरायण आने पे उन्होंने भीष्म अष्टमी के दिन देह त्याग किया और भगवान के धाम गए। तो यहाँ पे पूरे तात्पर्य में यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भीष्मदेव का देह त्याग कैसे हुआ। अभी सामान्यतः जब भौतिक घर संसार में हम मृत्यु की बात करते हैं तो इसको अशुभ माना जाता है। नहीं, मृत्यु की बात मत करो ऐसा बोला जाता है ना, मृत्यु की बात मत करो कि मृत्यु को अशुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने भगवद गीता और भागवतम के कई तात्पर्यों में ये बताते हैं कि मृत्यु जो है उसकी तैयारी
हर मनुष्य को करनी चाहिए, मृत्यु की तैयारी। तो हम तो बोलते हैं मृत्यु के विषय में बोलना अशुभ है, और यहाँ पे मृत्यु की तैयारी की बात कर रहे हैं, मतलब कि मृत्यु के लिए तैयार होना। मतलब दिन प्रतिदिन हम मृत्यु की चर्चा करेंगे तभी तो मृत्यु के लिए तैयार होंगे ना। तो ऐसा कैसा बात हो गया, उल्टा बात हो गया, शुभ बात करो ऐसा बोलेंगे। मृत्यु के बारे में बात करें तो शुभ बात करो, हाँ मृत्यु की बात मत करो। लेकिन मृत्यु जो है ये इस भौतिक जगत का, भौतिक जीवन का एक अविभिन्न अंग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जो इस जन्म के इस भौतिक धरातल पे भौतिक जगत में जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। तो ये विशेष अवसर हमको दिया गया है मनुष्य जीवन में कि हम हमारी मृत्यु की तैयारी कर सके और पशु की तरह ना मरे, प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर ना मरे और भीष्मदेव की तरह मरे। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। तो आज मकर संक्रांति है और भारत के अनेक अलग अलग प्रांत में उसको अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जैसे हमारे गुजरात में आज उत्तरायण बोलते हैं, तो क्या करते हैं आज सब पूरे, कोई लोग आपको रास्ते पे दिखेंगे नहीं, सब लोग चढ़ जाते हैं टेरेस पे, और टेरेस पे करके तो चढ़ के क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। हाँ पतंग उड़ाते हैं और तिल के लड्डू खाते हैं और ममरे के लड्डू खाते हैं और फिर ये बूंदिया सब्जी बनाते हैं और फिल्मी गीते बजाते हैं और हो हा करते हैं, पूरा दिन पूरा परिवार हाँ जो है वो पतंग उड़ाते हैं। और प्रभुपाद जी इस विषय में एक उदाहरण बताए कि जैसे कोई पतंग उड़ाता है तो जो धागा होता है, डोरी होती है हाँ, तो उसके लिए स्पिंडल होता है ना, स्पिंडल क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, चकड़ा हाँ, तो चकड़ा होता है तो उससे डोरी जाती रहती है, ढील छोड़ते हैं हम, ढील बोलते हैं गुजराती, ढील मतलब छोड़ते हैं उसको, तो जाती रहती है पतंग हवा में दूर दूर जाती रहती है और फिर किसी और कोई और पतंग आके उसको काट देती है, और फिर जब काटती है तो फिर वो सामने वाला जिसने काटा है वो बोलता है लपेट लपेट, मतलब अभी तो लपेट ले। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में उदाहरण लेके बोलते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ऐसे लपेटने के लिए मिला है और ज़्यादा फैलाने के लिए नहीं मिला है। तो हमको अभी ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको अभी ये भौतिक संसार को फैलाना नहीं है, लेकिन अभी हमको जीवन को सरल बना के भगवान की भक्ति में लगा के इसको अभी ये जीवन को अंतिम जीवन बनाना है। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मृत्यु की तैयारी करना और भीष्मदेव जैसी मृत्यु प्राप्त करना। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे जो महान महान पर्व होते थे, जो पर्व भगवान उनके शुद्ध भक्तों के साथ संबंधित थे और जिनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते थे, वो पर्व अभी नाम मात्र के रह गए हैं। और उस पर्व में जो इंद्रतुप्ते के कार्य थे वो कार्य को लोगों ने पकड़ लिया है और बाकी सब चीज़ों को साइड कर दिया है। जैसे बलराम पूर्णिमा आती है तो बलराम पूर्णिमा भगवान बलराम साक्षात बलराम का आविर्भाव तिथि है, लेकिन लोग क्या करते हैं उस दिन, बलराम पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, रक्षाबंधन। भगवान बलराम रक्षा कर रहे हैं, नायम आत्मा बल ही में न लभ्य, भगवान बलराम जो है वो एकमात्र हमारे रक्षा कर सकते हैं, उनकी ताकत के बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। भगवान बलराम किसी को याद भी नहीं है और रक्षाबंधन के नाम पे राखी बांधते हैं कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, ये मेरी रक्षा करेगा, जो कि कोई वैदिक संस्कृति में इसका कोई वर्णन है नहीं। तो ऐसे बहुत अद्भुत ये पर्व है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है यह नहीं जान के सामान्य जनता जो है इसको इंद्रिय भोग का एक समय के रूप में व्यतीत करती है। तो हम जो भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं हमको समझना चाहिए
कि किस प्रकार इस पर्व को वास्तव में मनाया जाए। तो आज मकर संक्रांति के दिन विशेष करके ये भीष्मदेव की का स्मरण करना चाहिए। भीष्मदेव ने किस प्रकार अपना पूरा जीवन जो है भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा के महाजन है। भीष्मदेव कौन है? महाजन, द्वादश महाजन में से एक महाजन है। महाजन ये न गत स पंथा, आश्रम बताया कि हमको महाजन के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। धर्म का जो अर्थ है वो बहुत ही गुह्य है। क्या श्लोक है? श्रुतियो विभिन्ना, नहीं शुरुआत कैसे होती है? श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋष्य अति मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुआ, पहली लाइन नहीं याद आएगी। तर्को अप्रतिष्ठ, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना नासावस्य ऋषिर मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन येन गतस पंथा। तो महाभारत का श्लोक है, इसमें बताया है कि तर्क के द्वारा कुछ वस्तु सही या गलत वो स्थापित हो सकती नहीं है ठीक से, क्योंकि तर्क जो है वो हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर है और वो बुद्धि जो है हमारी भौतिक जगह में भ्रष्ट हो सकती है, गलत हो सकती है। तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना, श्रुति भी है जो श्रुति शास्त्र भी जो है उसके अंदर भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो उसमें से कौन सा अर्थ हमको लेना है हमको पता नहीं चल सकता है। तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋषि अस्य मतम न भिन्नम, ऋषि मुनि जो है तो मुनि इसलिए वो मुनि है क्योंकि उनके मत अलग अलग होते हैं, इसलिए वो उनका नाम मुनि है, तो वो भी हमको तारण नहीं निकाल सकते। कई बार क्या सही है क्या गलत है इसकी उसका निर्धारण करने के लिए, तो फिर कैसे क्या करना चाहिए हमारे जीवन में ये सब अगर विरोधाभासी है तो हमको क्या करना चाहिए? तो बताया कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का तो तत्व है वो बहुत ही गुह्य है, इसलिए महाजन ये न गत स पंथा, इसलिए महाजन जो है जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके पदानुसार उनको जो पद पे चल रहे हैं उनका हमको उनके पद पे उनके मार्गदर्शन में हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जो नवविधा भक्ति है ये नवविधा भक्ति के मात्र नौ में से कोई एक ही जो अंग है उसको भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पालन करके भगवान का जो ये वांछित भक्ति का पराकाष्ठा है वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको यह किसी भगवत भक्त के मार्गदर्शन में करना होगा, वो अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे भीष्म पितामह है, वे ऐसे महाजन हैं और उनके पूरे जीवन से अनेक शिक्षाएं हमको प्राप्त होती है। तो आज के दिन विशेष करके हम भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, तो महाभारत में भीष्मदेव का जो पूरा वर्णन है बहुत ही अद्भुत वर्णन है, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, किस प्रकार वो धर्म के बड़े ज्ञाता थे और किस प्रकार अंत तक, हालांकि कई बार उनके ये पात्र में बहुत सारी शंकाएँ उत्पन्न हो सकती है कि भीष्मदेव ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, लेकिन क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो किस प्रकार से भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियुक्त थे वो जानना हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है श्रवण करना इसका। तो आज थोड़ा हम भीष्म पितामह के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के दिन। उसके अलावा मकर संक्रांति के दिन यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन गुजरात में और दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल होता है, पोंगल। तो पोंगल फेस्टिवल में गोपूजन होता है, गुजरात में भी बड़ा गोपूजन होता है मकर संक्रांति के दिन, और गायों को हरी घास दी जाती है, खिलाती है, गायों का श्रृंगार किया जाता है, और पोंगल करके एक डिश भी है दक्षिण भारत में, चक्र पोंगल, वैण पोंगल, धान कटता है इस दिन, हार्वेस्ट सीजन शुरू होता है, जो ठंड का धान है वो कटता है, तो चक्र पोंगल, वैण पोंगल ऐसा सब बना के सब लोग भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते हैं। पोंगल नया साल मनाया जाता है पोंगल के दिन तमिलनाडु में। तो ऐसे मकर संक्रांति का आध्यात्मिक उद्देश्य है। तो भीष्म पितामह का वर्णन जो भागवतम में है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत जटिल भी है भागवत महाभारत। तो महाभारत में ऐसे कई
जटिल वृतांत है। एक वृतांत के अंदर दूसरा वृतांत, दूसरे वृतांत के अंदर तीसरा वृतांत, ऐसे अनेक स्टोरीज चलती रहती है साइमल्टेनियसली महाभारत के अंदर। तो भीष्म पितामह का पिता शांतनु, जो कि बड़े महाराज थे, और उनके पिता, शांतनु के पिता कौन थे? तो वर्णन आता है कि एक महान राजा थे महाअभिषेक नाम के, जो कि भगवत भक्ति करके इस जन्म, उनकी मृत्यु पर्यांत इस भौतिक लोक में, जहाँ पे विष्णु लोक है, इस भौतिक जगत में भी विष्णु लोक है, शिरोदक्षाय विष्णु का लोक, वहाँ पे उनका सदगति हुआ। और एक बार वो किसी सेवावश वो विष्णु लोक, शिरोदक्षाय विष्णु लोक से सत्यलोक गए। सत्यलोक किनका लोक है? ब्रह्मा जी का लोक। तो वहाँ गए और वहाँ पे ब्रह्मा जी के लोक में जब वे थे तो गंगा नामक स्त्री भी वहाँ पे उपस्थित थी, और हवा के झोंके से गंगा का जो वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त हो गए, और महाअभिषेक ने उस स्थिति में गंगा का दर्शन किया। और जब वो दर्शन किया और गंगा जी ने भी उनका दर्शन किया, तो वे दो एक दूसरे से आकर्षित हो गए। तो जब ये सत्यलोक जो है, जो कि भगवान जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य ऐसा जो भौतिक जगत का कार्यक्रम है वहाँ नहीं है, तो ब्रह्मा जी को ये पता चल गया, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि आप दोनों अभी भौतिक जगत में मनुष्य जन्म में अवतरित होंगे। तो दोनों ने ब्रह्मा जी से क्षमायाचना की, तो क्षमायाचना की तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ठीक है, आपका श्राप जो है वो कम कर दिया जाता है, तो आप गंगा जो है आपको 8 पुत्रों को जन्म देना होगा, जो कि 8 वसु है, और वसुओं को भी श्राप मिला था, उसकी अलग स्टोरी है। तो 8 वसु है, आपको 8 वसुओं को जन्म देना पड़ेगा, और उनके जन्म के पश्चात आप जो है वे वापस ये उच्च लोक जो है उसका प्राप्ति कर सकती है। तो ऐसे गंगा जो थी वो उनका भौतिक जगत में अवतरण हुआ, और भौतिक जगत में अवतरित होने के पश्चात गंगा जो थी एक बार गंगा नदी के तट पे ही एक जंगल में परिभ्रमण कर रही थी, अपने लिए एक योग्य वर ढूंढने के लिए, अपने लिए एक योग्य पति ढूंढने के लिए, जिसके द्वारा वे जो थे ये 8 वसु जो थे 8 वसु को जन्म दे सके और अपना मुक्ति जो है वापस प्राप्त कर सके। तो बहुत सारे पात्र हैं महाभारत में। तो ये राजा का नाम क्या था? भूल गया। आई डिडंट राइट डाउन। शांतनु के पिताजी का नाम मंद बुद्धि कलयुग की। बहुत सारे दूसरे भौतिक जगत के नाम याद रहते हैं, ये नाम याद नहीं रहता। हाँ, महाराज प्रतीप। अच्छा हाँ, महाराज प्रतीप, सही बात है, महाराज प्रतीप। तो महाराज प्रतीप जो थे वे चंद्रवंशी राजा थे। हाँ, दो वंश जो थे, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो चंद्रवंश के अंदर जो ये महाराज प्रतीप और भगवान श्री कृष्ण जहाँ प्रकट हुए थे, देवकी सूत भगवान श्री कृष्ण जहाँ प्रकट हुए वो चंद्रवंश है, और क्षत्रियों का दूसरा वंश था सूर्यवंश, जहाँ रघुपति राघव भगवान राम प्रकट हुए। तो ये चंद्रवंश के अंदर महाराज प्रतीप राजा थे, और महाराज प्रतीप एक बार ऐसे वे भी तपस्या के लिए, क्योंकि उनको संतान नहीं थी, तो तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पे ध्यान कर रहे थे, और गंगा देवी ने देखा कि ये महान राजा है, क्षत्रिय राजा है, तो ये मेरे लिए एक योग्य पति के रूप में जो थे ये मुझे प्राप्त हो सकते हैं, और उनके द्वारा मैं जो थे ये 8 वसुओं को जन्म दे सकती हूँ। तो उन्होंने याचना की प्रतीप, महाराज प्रतीप को, और क्षत्रिय राजा जो थे वो विशेष करके क्षत्रिय स्वभाववश, जो अगर कोई कन्या उनके शरण में आती है तो उनको मना नहीं कर सकते। तो गंगा जी ऐसे जाके महाराज प्रतीप के
राइट मतलब हिंदी में क्या होता है, राइट दाया या बाया, दाया, दाए पैर के झांग पे जाके बैठे नंगा जो थी वो। तो अभी ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वर्णन जो आता है महाभारत के अंदर, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी ये सब महान महान जो व्यक्तित्व का वर्णन है, भीष्मदेव, व्यासदेव, पराशर मुनि, ये सब जो है हमारे जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से प्रभावित लोग हैं, नहीं, ये सब जो है महान महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा से भगवान की लीलाओं को वहन करने के लिए कई बार और मनुष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। तो गंगा देवी जो थी ऐसे महाराज प्रतीप के बाएं दाएं 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 झांग पे जाके बैठी, तो इससे पता चलता है कि कैसे वो महाराज जो थे वो राजर्षि थे, महान महान राजर्षि चंद्र परंपरा में सूर्य परंपरा में थे। तो उन्होंने जब गंगा देवी उनके दाएं झांग पे बैठी तो उन्होंने बताया कि जो दाएं झांग की जगह है वो पुत्रवधू के लिए होती है, पुत्रवधू के लिए होती है, तो इसलिए आपसे मैं विवाह कर सकता नहीं हूँ, आप अभी मेरी पुत्रवधू बनेंगे। तो इससे पता चलता है कि वो काम के द्वारा आसक्त नहीं थे, तो उन्होंने उनको दिया बताया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भविष्य में जो मेरी संतान होगी उससे आपका विवाह हो सकता है क्योंकि आप मेरी पुत्रवधू बन गई है। तो फिर थोड़े काल के पश्चात ये महाराज जो थे प्रतीप, उनके घर पे शांतनु का जन्म हुआ और शांतनु जो थे वो राजकुमार बने। और फिर कुछ समय बाद जब शांतनु ऐसे विहार करने के लिए निकले थे जंगल के अंदर, तो उनको एक कन्या दिखी। कौन सी कन्या, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, गंगा। तो हम सोच सकते हैं कि इतना समय पिता के समय पे थी, अभी गंगा तो इतना समय तो वृद्ध हो गई होगी, नहीं, लेकिन वृद्ध नहीं हुई थी वे, अभी भी इतनी सुंदर थी, क्योंकि वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, इतनी सुंदर थी जैसे जो महाराज प्रतीप के समय पे थी। तो गंगा से आकर्षित हुए महाराज शांतनु और उनसे प्रार्थना की कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने एक शर्त रखी, एक शर्त रखी, विवाह से पहले ही शर्त रखी कि अगर आपसे मुझे विवाह करना है तो आप मेरी कोई भी बात नकार सकते नहीं है और मेरा विरोध कभी भी नहीं कर सकते हैं। बोले कितनी खतरनाक शर्त है, विवाह के बाद शर्त होती है, विवाह के पहले शर्त, मेरा विरोध कर सकते नहीं है और मैं जो बोलूँगा मेरे 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 पे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो शांतनु महाराज ने बताया ठीक है, ये मैं प्रतिज्ञा देता हूँ आपको। तो ऐसे करके फिर शांतनु और गंगा जी का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात, क्योंकि 8 वसु जो थे उनको जन्म देना था गंगा को, तभी वसु की वार्ता आती है कि 8 वसु कैसे भौतिक जगत में आए। देखिए ये सब आयोजन है जो कि ये भौतिक जगत को चलाता है। कर्मणा दैव नेत्रे न जंतुर्देहो उपपद्यते, जो हमारे सभ्य जीवन में भी चल रहा है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कोई हमारे माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई पति है, पत्नी है, ये सब आयोजन है पूर्वावर्ती कर्म के फलों का, कि जो हमारा लेन देन बाकी है उनके साथ, जो हमको प्रताड़ना भुगतनी है उनसे या जो सुख प्राप्त करना है, वो सब हमारे आसपास के जीवात्मा जो है हमको दे के आके दे के या लेके चले जाते हैं। तो ऐसा ही आयोजन है कर्मणा देवे नेत्रणा। तो 8 वसुओं को जन्म देना, तो 8 वसुओं का कैसे भूति जगत में आना हुआ, तो उनके बारे में पूरी वार्ता आती है कि 8 वसु में से एक वसु था दियो नाम था उनका, और दियो था, वे एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे। तो जैसे वशिष्ठ विश्वामित्र की वार्ता आती है ना रामायण में, कि विश्वामित्र कामधेनु गाय को देख के बहुत ही प्रलोभित हो गए और उन्होंने उनको जबरदस्ती वशिष्ठ से लेने का प्रयत्न किया और फिर युद्ध हुआ। उसी प्रकार से ऐसी कहानी है कि दियो भी ये कामधेनु गाय को देखकर बहुत ही लालायित हो गया और जबरदस्ती वो कामधेनु गाय को 8 वसुओं ने मिल के किडनैप करने का प्रयत्न किया और फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको मात करके उनको हराया और फिर श्राप दिया उनको कि आप सबको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और प्रताड़ना भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसे उनको श्राप मिला होता है, यहाँ से गंगा को और महाअभिषेक को श्राप मिला होता है, दोनों को श्राप मिला होता है।
तो आठ वसुओं ने भी याचना की, क्षमा याचना की। तो भी जो श्राप होता है अगर क्षमा याचना करते हैं तो थोड़ा वापस तो नहीं खींच ले सकते, लेकिन थोड़ा काम सरल कर देते हैं। तो वशिष्ठ ने भी उनको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आपको जन्म लेना होगा, लेकिन जो आठ में से सात थे, आप जैसे ही जन्म लेंगे आपको वापस आपका लोक जो है प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्योह था, व्योह ने क्योंकि जानबूझकर वो गाय को छिड़ने का प्रयत्न किया था, बोले आपको तो रहना पड़ेगा, लेकिन आप जो थे आपके लिए ये अवसर है कि आप महान ज्ञानी बनेंगे और महान एक हीरो बनेंगे जो कि अनेक लोगों का मार्गदर्शन करेंगे भविष्य में। तो ऐसा वशिष्ठ मुनि ने उनका श्राप कम किया। तो ऐसे जो ये आठ वसु थे उनका जन्म हो रहा था गंगा देवी के घर पे, और गंगा देवी के जन्म घर पे जब शांतनु महाराज उनको रानी बना के लाए, और जब पहला पुत्र का जन्म हुआ तो स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय कुल के अंदर जब पुत्र जन्म होता है तो बहुत आनंद का कार्यक्रम होता है, क्योंकि पुत्र जो है वो खास करके प्रथम पुत्र है तो वंश का आगे वर्धन करता है और राजा का जो उत्तराधिकारी बनता है। तो बहुत प्रसन्न थे सब राजा शांतनु और सब नागरिक लोग की पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन गंगा देवी ने जैसे ही वो पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र को लेके गंगा के किनारे जाके उसको गंगा में डुबा दिया, स्वाहा, गंगा में डुबा दिया, और शांतनु महाराज शोकमग्न हो गए और कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते थे, हाँ कोई जवाब मांग नहीं सकते थे, क्योंकि जवाब मांगेंगे तो गंगा देवी चली जाएगी। तो ऐसे एक पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, छठवां पुत्र, सात पुत्रों तक गंगा देवी ने क्या किया, जैसे पुत्र का जन्म हुआ उसको गंगा में बहा दिया। अभी शांतनु महाराज की जो चिंता थी बढ़ने लगी, ये क्या हो रहा है, ये देवी तो बहुत ही विचित्र है। तो लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अभी पूछेंगे नहीं, तो नहीं पूछा। लेकिन जब आठवां पुत्र हुआ तब शांतनु महाराज से रहा गया नहीं है, उनका गुस्सा बाहर आ गया, ये ऐसे कैसे होगा, हमारे पुत्रों को आप मार रही है और हम कुछ बोले नहीं। तो गंगा देवी ने जब ये सुना तो गंगा देवी ने उनका त्याग कर दिया, त्याग करके वापस चली गई जंगल में, और जंगल में वशिष्ठ मुनि के वहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया, और वहाँ पे उनका जो आठवां पुत्र था उनका वशिष्ठ मुनि के मार्गदर्शन में लालन पालन हुआ, और 32 साल तक वे वहाँ पे वशिष्ठ मुनि के द्वारा प्रशिक्षित हुए। और महाभारत में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो पूरा शिक्षा है, महाभारत में अनेक शिक्षा है, अनेक महान राजाओं की, भगवान की इत्यादि तरी अनेक शिक्षा है, लेकिन भीष्म की जो शिक्षा है वो सबसे अधिक मात्रा में। भीष्म विस्तार से पूरा वर्णन करते हैं समाज किस प्रकार से गठित होना चाहिए, राजा का धर्म क्या है, आपातकालीन धर्म क्या है, अलग 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 अनेक धर्म का जो वर्णन है वो भीष्म पितामह करते हैं। तो वो सब प्रशिक्षण उनको मिला वशिष्ठ के पास से, और वशिष्ठ के वहाँ पे 32 साल तक जो थे गंगा के पुत्र, आठवें पुत्र वसु वहाँ पे बड़े हुए, और फिर वापस एक बार शांतनु महाराज 32 साल के बाद जंगल में परिभ्रमण कर रहे थे। तो शांतनु महाराज जब जंगल में परिभ्रमण करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, तो वापस परिभ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये एक 32 साल का एक युवान व्यक्ति, ये हालांकि उस समय 32 साल बहुत युवान अवस्था माना जाता था, क्योंकि आज के समय 32 साल वृद्धावस्था माना जाता है, उस समय बहुत युवान अवस्था माना जाता था, क्योंकि लोगों का आयु बहुत लंबा होता था, 150-200 साल द्वापर युग में, हजार साल। तो वो जो 32 साल का युवान था उसने गंगा का पूरा इतना तीव्र बहाव जो है उसने अपने दो हाथ से अटका दिया, वो ऐसे खेल रहा था गंगा के अंदर, क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो महाराज शांतनु ने देखा है तो उनको अंदर से लाइट हुई कि ये तो मेरा पुत्र हो सकता है, ऐसा अंदर से उनको ऐसी जिज्ञासा हुई मेरा पुत्र हो सकता है। हाँ, तो पास में गए उसके पास तो अदृश्य हो गया, गंगा देवी ने उनको छुपा दिया। तब शांतनु महाराज को ये लगा कि ये नहीं, ये पक्का मेरा पुत्र है। तो जाके वो गंगा देवी से मिले, उनको प्रार्थना की कि आप मुझे मेरा पुत्र कम से कम वापस कर दीजिए, आप तो चली गई, मेरा पुत्र दे दीजिए। तो गंगा देवी ने वो पुत्र उनको दे दिया, और वो पुत्र कौन थे,
नहीं, उनका नाम भीष्म तब नहीं पढ़ा था, उनका नाम था देवव्रत, देवव्रत उनका नाम था। और गंगा देवी थी, उनका ये कार्य समाप्त हो गया 8 वसुओं का जन्म देने का, और वे वापस ब्रह्मलोक चली गई। और देवव्रत जो थे उनको महाराज शांतनु अपने घर ले आए और उनको राजकुमार घोषित करके उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने का कार्यक्रम बनाया। ये हो गया और स्टोरी जो है जैसे वो मूवी होती है ना, तो जिसमें अंत में लिखते हैं कि उसके बाद सब लोग जो थे आनंदमय जीवन जिए, आफ्टर दैट ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन कहानी चलती रहती, कोई आनंद नहीं मिलता अंत में। तो ऐसे देवव्रत आ गए कौशल प्रदेश में और हस्तिनापुर में, और राजा उनको बनाने का घोषणा हुआ, और फिर वापस एक बार शांतनु महाराज गए जंगल। शांतनु महाराज वापस जंगल गए, इस समय पे उनको सुगंध आई, बहुत ही तीव्र सुगंध आई, और इतनी तीव्र सुगंध आई कि उनको लगा कि ये सुगंध कहाँ से आई, इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आई। तो उसका स्रोत है, वो ढूंढते एक मछुआरे के घर के जा पहुँचे। तो मछुआरों की जो कन्या थी, इनका नाम था सत्यवती, उनके पास जाके उनको पता चला कि इनसे सुगंध आ रही है। तो सत्यवती का भी पूरा एक वृतांत है ना, कैसे महाराज पराशर मुनि ने कैसे उनको वरदान दिया था कि वे मत्स्यगंधा से सत्यवती बन गई, और उनके उनसे अनेक सुगंध जो थी, उत्तम सुगंध जो थी वो निकलती रही। तो व्यासदेव की माता, तो उनसे विवाह करने के लिए शांतनु महाराज ने प्रस्ताव रखा। हालांकि वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय के लिए एक मछुआरों की कन्या से विवाह करना बहुत ही निकृष्ट माना जाता था, लेकिन फिर भी शांतनु महाराज ने वो प्रस्ताव रखा। और जो सत्यव्रती जो थी, उनके पिता ने बताया कि ये जो है ये तो तभी संभव है जब आप मुझे एक प्रतिज्ञा देंगे। तो शांतनु महाराज के साथ हमेशा ऐसा होता रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बोले क्या प्रतिज्ञा? तो पहले तो दे चुके थे एक बार, धोखा खाए थे, इसलिए अभी बोले क्या। अभी प्रतिज्ञा ये है कि आपको मेरी पुत्री के द्वारा जो संतान प्राप्ति होगी उसको ही आप राजा बनाएंगे, उसको ही आप हस्तिनापुर का जो साम्राज्य है उसको ही आप प्रदान करेंगे। तो शांतनु महाराज पहली बार तो धोखा खा चुके थे, बोले अभी तो नहीं खाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, वापस अपने पैलेस अपने महल में चले गए। अभी वहाँ पे चले तो गए, लेकिन शेर को खून का स्वाद लग चुका था अभी। तो अभी वो हमेशा डिस्टर्ब रहे, हमेशा चिंतित रहे। अभी जो उनके पुत्र थे देवव्रत, उनको ये उन्होंने वो भाप लिया, तो उन्हें पिताजी को सामने आकर नहीं पूछ सकते, तो उन्होंने दूसरे मंत्री थे उनसे पूछा कि पिताजी का ये स्थिति का कारण क्या है। तो सब मंत्रियों ने फिर बताया पूरा वृतांत, कैसे ऐसे 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 हुआ। तो देवव्रत इतने महान थे कि उन्होंने वो गए वापस वहाँ पे जहाँ पे वो मछुआरे का घर था, वहाँ पे जो सत्यवती के पिता थे उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हाँ मैं जो हूँ ये राजकुमार नहीं बनूंगा, और ये पूरा साम्राज्य है मेरे पिता का, वो हाँ मेरे भाइयों को ही मिलेगा, हाँ आप निश्चिंत हो। फिर भी वो पिता ने बताया कि नहीं नहीं हाँ वो तो ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके पुत्र तो होंगे, तो पुत्र भी जो थे वो मेरे पौत्रों के साथ लड़ेंगे, और फिर वो उनको ही साम्राज्य प्राप्त होगा। तो भीष्म पिता ने देवव्रत ने थोड़ा भी संकोच किए बिना उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह करूँगा नहीं। तो ये उनका नाम वहाँ पर भीष्म पड़ा। भीष्म का अर्थ क्या है? तीव्र, उग्र व्रत उन्होंने लिया, क्योंकि क्षत्रिय के लिए विवाह नहीं करना एक बहुत ही उग्र व्रत कहलाया जाता है। क्षत्रिय अनेक कन्याओं से विवाह करने का उनको अनुमोदन था, लेकिन क्षत्रिय के लिए ये विवाह नहीं करना उनके लिए उग्र व्रत कहलाया जाता है। तो इसलिए सभी देवताओं बहुत प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की, और उन्होंने व्रत लिया कि मैं विवाह करूँगा नहीं अपने पिता के लिए। तो तब जाके सत्यव्रती का
महाराज शांतनु के साथ विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उनके घर दो पुत्र जन्म हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांदगा। चित्रांदगा चित्रांग तो चित्रांदगा था, वरिष्ठ पुत्र थे। उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उनकी भी एक वार्ता है कि वे गए थे, गंधर्व राजाओं से मिले थे और गंधर्व राजा जो थे उनका नाम भी चित्रांग का निकला, दोनों का नाम चित्रांग का निकला। तो गंधर्व राजा ने क्या किया कि एक ही चित्रांग का होना चाहिए, ये मनुष्य चित्रांग का नहीं चलेगा तो उनके साथ युद्ध कर लिया उनको मानने के लिए कि मेरा नाम ही प्रचलित होना चाहिए। तो उनको लगा कि ये तो मनुष्य है, इसमें क्या ताकत है, इनको सरलता से ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 30 दिन तक युद्ध चला और फिर बाद में अंत में चित्रांगदगा जो मनुष्य थे उनका उन्होंने वध किया और ऐसे उनका मृत्यु हो गया। तो अभी रह गए विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य जो थे वो नाम तो उनका था कि वो बहुत शक्तिशाली होंगे लेकिन वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, बीमार थे। तो फिर भी उनका राज्याभिषेक हुआ लेकिन उनको फिर वर्णन आता है विचित्रवीर्य का कि काशी के राजा थे, वहाँ पे उनका स्वयंवर का कार्यक्रम था और वहाँ पे अम्बा, अम्बालिका और अंबिका नाम की उनकी जो तीन कन्या थी उनका विवाह होने वाला था। तो भीष्म पितामह ने ये सोचा कि इनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ होना चाहिए, बहुत अच्छा मैच होगा। तो भीष्म पितामह वहाँ गए स्वयंवर के अंदर, स्वयंवर में जाके वो बैठे तो बोले कि वृद्ध आदमी क्यों आ गया यहाँ पे। हाँ, तो तीनों कन्या बोली थी हम उनसे विवाह नहीं करेंगे। कि भीष्म पितामह ने बताया कि नहीं, मुझसे विवाह नहीं है लेकिन ये विचित्रवीर्य जो हमारे है पुत्र उनके साथ विवाह आपका होने वाला है। तो बोले वो तो लेकिन आप वो तुमको आना चाहिए था। तो उन्होंने फिर पूरा धर्मशास्त्र समझाया। महाराज भीष्म पितामह सिर्फ शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे लेकिन ज्ञान की दृष्टि से भी धर्म के धर्म के महाजन थे। तो पूरा धर्मशास्त्र समझाया कि कैसे संभव हो सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का वहाँ से सभी राजाओं के बीच में हरण किया और उनको ले आए। अभी इसमें से अम्बा कन्या जो थी उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह हो शाल्य के साथ। शाल्य का वर्णन आता है भोगिता में। तो शाल्य के साथ उनका विवाह हो, तो उन्होंने भीष्म पितामह को बताया कि मेरी तो इच्छा ही शाल्य के साथ विवाह करनी है। तो भीष्म पितामह ने उनको मंजूरी दी, परमिशन दी कि आप जाओ शाल्य के पास। तो कन्या गई शाल्य के पास और शाल्य बोलता है कि नहीं, आपको तो किसी ने और ने हर लिया, अभी मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। तो वापस अम्बा जो थी वो वापस आई भीष्म पितामह के पास आई कि इनको तो शाल्य मुझे स्वीकार नहीं कराया, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। तो भीष्म पिता बोले नहीं, अभी मैं आपको आश्रय नहीं दे सकता, अभी कभी उधर कभी इधर मैं आश्रय नहीं दे सकता आपको। तो जो अम्बा थी वो गई परशुराम के पास। परशुराम ने भीष्म पितामह को पूरा शिक्षा दिया था अस्त्र विद्या का, तो उनके गुरु थे भीष्म पितामह के गुरु। तो उनके पास गई और उनके पास जाके प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे भीष्म पितामह मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको समझाइए। तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बताया कि धर्म के अनुसार ये कन्या आपके शरण में आई है, अभी आपको उनसे विवाह करना आपका धर्म बनता है। तो फिर चर्चा हुई, बृहद चर्चा हुई परशुराम के साथ भीष्म पितामह की। नहीं, लेकिन मैंने तो ये व्रत धारण किया, प्रतिज्ञा ली है, तो मेरा तो धर्म यह है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, अभी ये धर्म मुझे मैं तोड़ छोड़ सकता नहीं हूँ। तो फिर क्या करे, गुरु ने आज्ञा दी तो क्या करे। तो भीष्म पितामह ने नहीं स्वीकार किया, बोले कि गुरु ही अवलिप्तस्य कार्यम कार्यम अजानतः अप्रति प्रन्नस्य परित्याग विधीयते। महाभारत में श्लोक है कि अगर गुरु भी अगर किसी कारण से क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं और गुरु एक समय पे अगर बहुत उन्नत स्थिति में और बाद में पतित हो जाते हैं तो किसी कारण से, तो फिर ऐसा गुरु का परित्याग करना उचित होता है, विधिवत होता है। तो सामान्य रूप से ऐसे हम गुरु का परित्याग नहीं करते लेकिन ऐसी विशेष स्थिति में गुरु का परित्याग करना उचित होता है। तो ऐसे उन भीष्म पितामह ने परशुराम को बताया। तो दोनों के बीच में युद्ध हो गया और युद्ध इतना चला
कि कोई एक दूसरे को मात कर ही नहीं पा रहा है। हाँ, अभी हम भगवद्गीता पढ़ रहे हैं और भगवद्गीता में अर्जुन बोलता है गुरु नु हत्या न महानुभाव, ये सब गुरु के साथ मैं कैसे युद्ध करूँ, भीष्म पितामह ने खुद अपने गुरु के साथ युद्ध किया था। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, तो युद्ध हुआ इतना चला, कोई किसी को मात नहीं हो रही एक दूसरे की, और चलता रहा। बाद में फिर सब जो देवी देवता थे वो सब आके सबने प्रार्थना किया भीष्म पितामह को, गंगा देवी साक्षात वापस आई, बोले कि भीष्म पितामह अभी आप छोड़ दीजिए। तब जाके भीष्म पितामह ने छोड़ दिया और उनकी शरण स्वीकार की। तो अभी अम्बा जो थी, अम्बा बोली कि अभी तो आपको मुझे आपसे ही विवाह करना है, मैं विचित्र वीर्य से भी विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा था और मैं एक स्त्री के लिए जो हाथ पकड़ता है उसने उसका पानी ग्रहण कर लिया है, तो आपको ही मुझे आपसे ही विवाह करना है। तो भीष्म पितामह बोले मैं नहीं विवाह। इससे पता चलता है भीष्म पितामह कितने उग्र थे अपने व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत, गुरु के साथ भी लड़ाई कर ली, अम्बा तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हाँ, तो अम्बा फिर चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए और प्रार्थना की भगवान को कि मुझे नया जन शरीर दो जिससे मैं ये भीष्म पितामह को इनको मैं सबक सिखा सकूँ। हाँ, तो फिर अम्बा का पूरा वर्णन वाता आता है कैसे वो शिखंडी बनी, न पुरुष न स्त्री, यक्ष के द्वारा उनको स्त्री का शरीर मिला था लेकिन पुरुष के रूप में उनका देहांतर हुआ, शिखंडी। हाँ, तो फिर ऐसे भीष्म पितामह फिर धीरे धीरे विचित्र वीर्य का विवाह हुआ, विचित्र वीर्य का विवाह के पश्चात उनका देहांत हो गया और कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो अम्बालिका और अंबिका जो थी उनके लिए व्यवस्था की गई, शास्त्र अनुमोदित व्यवस्था जो कि कलयुग के अंदर वर्जित है कि भाई जो थे उनके वरिष्ठ भ्राता के द्वारा उनके गर्भ में गर्भाधारण हो, तो व्यासदेव को बुलाया गया, व्यासदेव के द्वारा उनके गर्भ में गर्भाधारण हुआ और जन्म हुआ किनका, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर का जन्म हुआ दासी पुत्र के रूप में। तो ये कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इनका जन्म हुआ। और भी वर्णन है, कौरवों का जन्म हुआ, गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ विवाह हुआ, और ये सब किसने करवाया, सब पितामह भीष्म ने कराया। ये सब भगवान के शुद्ध भक्त का कार्यक्रम था जिससे कि भगवान की लीला जो है स्थापित हो सके, तो सब पितामह भीष्म ने आयोजन कराया। पांडु का विवाह कराया माद्री के साथ और धृतराष्ट्र का विवाह कराया गांधारी के साथ, और फिर 100 करोड़ों का जन्म हुआ पांडु का, सब पांडु के पुत्र का पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए, हालांकि वो भी कौरव थे लेकिन वो प्रसिद्ध हुए पांडवों के नाम से क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। और कौरवों का जन्म हुआ, कौरवों में सब दुष्ट थे, दुर्योधन थे, और फिर अनेक महाभारत का पूरा लंबा वृत्तांत आता है। और फिर कौरव कैसे हमेशा पांडवों के ऊपर अत्याचार करते थे और बहुत 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 वार्ताएँ आती है। और फिर ऐसे भीष्म पितामह, असत सभा में वर्णन आता है भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का कार्यक्रम हो रहा था, तो ये वृत्तांत से कई बार भीष्म पितामह का जो भीष्म पितामह का जो उन्नत स्थिति है उसके ऊपर शंका हो सकती है कि भीष्म पितामह ने तब कुछ नहीं बोला। पितामह होके भी धर्म के ज्ञाता होने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, हालांकि युधिष्ठिर का भी वहाँ पे युधिष्ठिर ने भी कुछ नहीं बोला लेकिन भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं बोला कि वो तो पूरे कौरवों के वरिष्ठ थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो वहाँ उन्होंने बोला, जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये धर्म का जो तत्व है वह समझना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है, कैसे धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए क्या होना, तो मतलब ही उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया। तो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि भीष्म पितामह कुछ भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान का कार्यक्रम था विनाशाय च दुष्कृताम, ये सब दुष्कृति लोग जो है उनको सबको खत्म करने का कार्यक्रम भगवान का था, भगवान का इच्छा था, इसलिए भगवान प्रकट हुए थे। और ये द्रौपदी का जो वस्त्रहरण था ये विशेष कारण बना, ये सभी जितने भी दुष्ट राजा थे उनको एक स्थान पर एकत्रित करके भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा उनका वध करने का कार्यक्रम, ये विशेष करके द्रौपदी के वस्त्रहरण से वो भीम ने प्रतिज्ञा दी। भीम और भीष्म ये दोनों नाम का एक ही अर्थ है, टेरिबल मतलब उग्र, दोनों उग्र थे। भीम ने प्रतिज्ञा दी कि मैं 100 करोड़ का वध करूंगा।
और जो द्रौपदी थी उन्होंने बताया कि मैं पतिव्रता स्त्री का मेरा जो अपमान हुआ है इसका मैं बदला लूँगी। तो इस प्रकार से पूरा भगवान का इच्छा जो था उसको पूर्ण करने के लिए भीष्म पितामह वहाँ कुछ नहीं बोले और इस पश्चात युद्ध हुआ। युद्ध में भीष्म पितामह की विशेष स्थिति थी, तो भगवान के शुद्ध भक्त होने के पश्चात भी वे कौरवों के पक्ष से लड़े। और वर्णन है कि भीष्म पितामह वीर रस में भगवान के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो ऐसा कैसा रस है कि जिसके अंदर भगवान की सेवा की जा रही है भगवान के ऊपर ही तीर छोड़ के, या भगवान के भक्तों को ही भगवान के भक्तों को ही प्रताड़ना देके। तो ये अद्भुत रस है, भगवान ऐसे अलग अलग 14 रसों के साथ अपने भक्तों के साथ लीला विलास करते हैं। तो इसमें ये एक रस है वीर्य रस। तो भगवान क्योंकि भगवान परम पुरुष है तो वे भी परम पुरुष होने के कारण वे भी अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो अलग अलग भक्तों के साथ वो अलग अलग लीला करते हैं, अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। तो एक पुरुष का एक स्वभाव है कि उसको युद्ध करना भी उसको अच्छा लगता है। युद्ध करना, मात देना सामने वाले व्यक्ति को और उनको परास्त करके अपना विजय स्थापन करना, तो भगवान को भी ये इच्छा प्रकट होती है युद्ध करने की। तो वो युद्ध भगवान के साथ कौन कर सकता है, कोई सामान्य जीवात्मा तो कर नहीं सकता। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त ही भगवान की प्रसन्नता के लिए उस प्रकार की सेवा में जुड़ते हैं जिससे कि वो भगवान के साथ युद्ध कर सके और भगवान उनके भक्त के साथ युद्ध करके अपनी वो इच्छा संतुष्ट करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त उसमें पूर्ण रूप से अपने ही स्वामी के ऊपर अपने ही स्वामी के साथ युद्ध करके उनको परास्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो रसास्वादन होता है बहुत ही अद्भुत होता है। तो ये भीष्म स्तुति के अंदर ही भीष्म पितामह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका वो स्वरूप जिसके अंदर आपको जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, कि भगवान अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपना बृहद व्रत जो था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा वो तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए और इतने क्रोधित हुए कि रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह को मारने का प्रयत्न किया। तो ये वाला जो स्वरूप है आपका जिसमें आप शायद इसमें चित्र होगा, हाँ ये रहा वो वाला स्वरूप जो है उसका मुझे चिंतन होता रहे, वो भीष्म स्तुति में प्रार्थना करते हैं। तो अद्भुत ये वस्तु है कि वो भीष्म पितामह भगवान का वो दृश्य देखने के लिए लालायित है। युद्ध दृश्य में वो भगवान को, भगवान अपने भक्त वत्सलता के कारण उनके ऊपर उनका प्रतिज्ञा तोड़ के उनको मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको मारने के लिए लालायित है। तो ये भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का विशेष संबंध है। जो इससे हमको पता चलता है कि भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे हालांकि भगवान के विरुद्ध कौरवों के पक्ष लड़े और बाह्य दृष्टिकोण से प्रतीत हो सकता है कि वे तो कौरवों का नमक खाया था इसलिए उन्होंने परम सत्य का साथ नहीं दिया या फिर वो भगवान के विद्रोही थे या फिर इस प्रकार से, लेकिन आचार्यगण जो है उनकी शुद्ध भक्ति की स्थिति को समझाते हैं कि कैसे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो सेवा स्वीकार की थी जो बाह्य रूप से शायद इतनी प्रशंसनीय नहीं थी। तो ऐसे हमारे जीवन में कई प्रसंग आएंगे कि जिसके अंदर बाह्य रूप से हमारा वाहवा नहीं होगा, बाह्य रूप से हमको भक्त समाज में या फिर बाहर के समाज में भी हमको हमारी प्रशंसा नहीं होगी, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हमको करना पड़ेगा, भगवान की सेवा के लिए हमको वो प्रशंसा का जो इच्छा है उसको त्याग करके हमको प्रताड़ना भी ग्रहण करनी पड़ेगी। हमको जैसे गोपियों के लीलाओं में वर्णन आता है, गोपियाँ ने घर छोड़कर अपने पति देव को छोड़कर समाज की चिंता किए बिना वे भगवान की शरण में गई। तो ऐसे भीष्म पितामह ने इतना महान भगवान की शरणागति ली और वीर रस में भगवान के साथ युद्ध किया। और वर्णन था कि भीष्म पितामह को मानने वाला कोई था नहीं, कोई मानने वाला उनको संभव था नहीं। और दुर्योधन हमेशा बोलते रहते थे कि आप
जानबूझकर ऐसा युद्ध नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आप अर्जुन को हरा दें, आपके पास ताकत है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर आप नहीं कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने भी वो निर्णय लिया था कि कल तो मैं अर्जुन को ख़त्म कर ही दूंगा, हाँ, लेकिन शिखंडी को ही एकमात्र वरदान था कि वो भीष्म पितामह को हरा सकती है ऐसा। तो अर्जुन शिखंडी को आगे रख के, क्योंकि भीष्म पितामह उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो तो बोले तो श्री है, श्री के साथ थोड़ी मैं युद्ध करूँगा, हाँ। तो शिखंडी बाण छोड़ती थी और जो अभी छोड़ती थी छोड़ता क्या क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन शिखंडी आगे आगे रह के बाण छोड़ते थे और भीष्म पितामह जो थे वो उसका प्रतिकार नहीं करते थे। तो इस बीच के समय में अर्जुन जो थे वे उसका समय का उपयोग करके भीष्म पितामह के बाणों की वर्षा करते थे। तो ऐसे जब भगवान ने ऐसा जब रूप धारण किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, तब भीष्म पितामह जो थे वो अर्जुन के द्वारा बाणों का उन्होंने स्वागत किया और पूरे शरीर में उनके बाण जो थे वो खुप गए। और तब भीष्म पितामह ने फिर हथियार छोड़ दिए और वे बाणों की संज्ञा पे लेट गए, बाणों की संज्ञा पे लेट गए। और फिर युद्ध खत्म होने के पश्चात अर्जुन जो थे सब भगवान थे वो सब, और सभी जो ब्रह्मांड के महान महान ऋषि मुनि थे, व्यास देव थे, वो सब आए। और युधिष्ठिर महाराज को ग्लानी हुई कि उनके कारण इतने सारे करोड़ों क्षत्रियों का हत्या हुआ, कितनी सारी स्त्रियां जो थी वे बेघर हो गई, और वे उनको इतनी बड़ी ग्लानी हुई। बहुत लोगों ने समझाया, भगवान ने समझाया, खुद व्यासदेव ने समझाया, फिर भी उनकी ग्लानी नहीं गई। तब जाओ जाके फिर वो बाण संहिता पे विराजमान जो भीष्म पितामह थे उनके पास गए, और भीष्म पितामह ने फिर ये सब भागवतम में यहाँ वर्णन आता है इस स्कंध के अंदर। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाकशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान। जैसे उन्होंने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये सभी धर्मों का उनको ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को। अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर पे तो सब बाण थे लेकिन सिर जो था उसके नीचे कोई तकिया नहीं था, तो उनका सिर उनका लटक रहा था। तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को विशेष क्षत्रियों को जो सुशोभित करता है ऐसा सम्मान देकर उनको बाणों की तकिया बना के दिया, तीन बाण के द्वारा, और उनके पानी पीने के लिए एक बाण छोड़ा जिससे गंगा खुद अवतरित हुई उनके मुख में पानी प्रदान करने के लिए। और इस प्रकार से भीष्म पितामह ने पूरा उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर स्तुति किया, जो भीष्म स्तुति के रूप में भागवतम के अंदर वर्णन है, हाँ। और ये बहुत ही अद्भुत स्तुति है, हाँ, बहुत अद्भुत वर्णन है किस प्रकार भक्त जो है अपनी वो स्थिति में भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और इसका ही एक श्लोक है ये, जिसमें अंत में जब ये स्तुति करने के पश्चात भीष्म पितामह देह त्याग कर रहे हैं और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हमारा मृत्यु भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा भीष्म पितामह की तरह। और प्रभुपाद जी बोलता है कि ये संभव है, हाँ, हालांकि भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे वहाँ पे साक्षात, और हमारा मृत्यु कैसे होगा हमको पता है नहीं। भीष्म पितामह के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो अपने इच्छा के अनुसार जो समय आएगा वहाँ पे मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, हाँ। तो उन्होंने उत्तरायण तक उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन हमारा मृत्यु कब होगा हमको पता है नहीं। उत्तरायण में होगा, दक्षिणायन में होगा, शुक्ल पक्ष में होगा, हाँ, या फिर कृष्ण पक्ष में होगा, हाँ, ये सब हमको पता है नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है फिर? हमारे हाथ में ये है कि जैसे प्रभुपाद जी ये तात्पर्य बता रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की नवविधा भक्ति के अंदर पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो सकते हैं भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में गंभीरता से, अगर हम ऐसा करेंगे। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रथम अंग श्रवण। नवविधा भक्ति में से कोई भी एक विधि के द्वारा हम भगवत धाम और भीष्म पितामह की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण। तो श्रवण जो है वो कहाँ से करना है? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता और श्रीमद भागवतम से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है कृष्ण भक्ति का, श्रवण करना। और श्रवण करने से ही हम कीर्तन जो है भगवान का सही मनोदिशा में कर सकते हैं। श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभावे। अगर हमने ठीक से श्रवण किया है, योग्य व्यक्ति योग्य गुरु के पास है, योग्य वृत्ति के साथ, तो
तो उस श्रवण के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से हम भगवान का कीर्तन भी जो है वो शुद्ध रूप में कर सकते हैं। और ऐसे श्रवण कीर्तन की विधि से हम जो है धीरे धीरे भगवान से आसक्त हो सकते हैं और हमारा जो कलमस है काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य वो भगवान की कृपा से हृदय से साफ हो सकता है। तो ये स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भगवद्गीता और श्रीमद् भागवत की ये शिक्षाएँ हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भीष्म पितामह के सामने प्रस्तुत थे। भीष्म पितामह उनका चिंतन करके उनका लीलाओं का स्मरण करते करते उन्होंने देह त्याग किया। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवद्गीता और श्रीमद् भागवतम को हमारे जीवन का प्राण बनाएं, प्रभुपाद जी ने बताया कि भागवतम को हमको हमारे जीवन का प्राण बनाना है। तो प्राण बनाने का अर्थ क्या है कि भागवतम हमारे जीवन में इतना अभिभूत होना चाहिए कि सूते सोते खाते पीते हमको भागवतम का स्मरण होना चाहिए। इतना भागवतम के अंदर हमको डूबना चाहिए, इतना इसके वृत्तांतों के अंदर हमको उतरना चाहिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो भगवान साक्षात उनकी शिक्षाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर हमारा मृत्यु होगा तो मृत्यु जो है उसका कोई लाभ है नहीं। तो भजन में बताते हैं ना नित्यानंद, क्या नाम है, निताय पद कमल, उसमें एक एक लोचनदास ठाकुर बताते हैं सही पापी एलो आर गेलो, कि पापी आया आया और गया आया गया हार लग गया फोटो लगत गया फोटो के ऊपर हार लटक गया और ख़त्म काम, थोड़े दिन में भूल गए। तो अभी ये जीवन की हमारी दिशा होनी चाहिए और भीष्म पितामह को प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी जैसी शुद्ध भक्ति जो है हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो। और वो जिस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए लालायित थे उस प्रकार से हम थोड़े लालायित हो सके। और इस प्रकार की लालसा से अगर हम मृत्यु के समय में भगवान की इच्छा करके भगवान का स्मरण करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करके अगर हम देह त्याग करते हैं कि चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो ये कोई फिर फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त इस सब चीज़ें से चर्चा नहीं चिंता नहीं करते। उनको पता है कि भाई जो भी गति होगी भगवान की सेवा के लिए उत्तम होगी। तो इसलिए हमको ऐसी तैयारी करनी है। कई लोग जो है कर्मकांडीय लोग पूर्ण प्रयत्न करते हैं कि मैं मृत्यु वृंदावन में जाके करूँगा, ऐसे वृंदावन में मेरा मृत्यु होगा तो भगवत धाम जाऊँगा और पूरा प्रयास करते हैं वृंदावन में जाके ही रहते हैं और वहाँ पर जाके रह के उनका वृद्धावस्था गुजारते हैं। और फिर पता नहीं उनके जीवन में क्या हो जाता है अंतिम समय पे कि वृंदावन में रह रहे हैं और कुछ बीमारी हुई और कोई ले जाता है उनको दिल्ली बिल्ली हॉस्पिटल में, वहाँ मृत्यु हो जाती है। हमारे एक भक्त थे विद्यानगर में, तो विद्यानगर के बाजू में ही उनका घर था लाला भाई करके। तो हर रोज़ वो आते थे मंगला दर्शन आरती में, हाँ, और दर्शन आरती में आके राधा गिरधारी का सुंदर विग्रह है तो भगवान के आगे वो रेलिंग है, भगवान के आगे रेलिंग है, रेलिंग में आके उनका वो ये डायमंड का रिंग था तो रिंग रेलिंग पे आगे ऐसे खटखटाएंगे, भागवत हमें डिस्टर्ब करेंगे भागवत क्लास में, ऐसे खटखटाएंगे जो जो राधा गिरधारी ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाएंगे। तो रोज ऐसे मंदिर आते थे और भक्त भगवान के भक्त थे, अच्छे थे, अच्छे आदमी थे, मदद करते थे और प्रदक्षिणा करेंगे फिर वापस घर जाएंगे, नेबर थे वहाँ पे मंदिर में। तो ऐसे हर रोज आते थे और पता नहीं वृद्धावस्था में उसके पुत्र ने उनको क्या मोह लगा दिया कि पिताजी को अमेरिका ले जाना है, तो अमेरिका ले गए और उनको भी जाना था अमेरिका जाके एक बार, अमेरिका में देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति है। मतलब भगवान की भक्ति से थोड़ा हम हटके, भक्तों से थोड़ा हम हटके अगर कोई कार्यक्रम मनाते हैं, भक्तों से थोड़ा दूर जाते हैं, भगवान से दूर जाते हैं, मृत्यु आ गया तो गए काम से। तो इसलिए मुझे सोच आ रही थी कि ये आज के ज़माने में क्या हो गया है कि जन्म लेना तो हॉस्पिटल में, मृत्यु होना तो हॉस्पिटल में। पहले ऐसा नहीं था, जन्म होता था घर पे और मृत्यु भी घर पे होती थी। तभी हो गया है कि सबको इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद अगर कुछ भी होता है तो एम्बुलेंस आएगी उठा के ले जाएगी और डॉक्टर जो है वो पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि जब तक कि पूरा पैसा जो व्यक्ति का निचोड़ नहीं लिया जाता तब तक उसको बता के रखेंगे कि नहीं अभी आशा है, अभी आशा है, अभी आशा है। पहले तो पहले ये नहीं पूछते कि मनुष्य का वो आदमी का स्थिति क्या है, वो पूछेंगे कि भाई आपके पास मेडिक्लेम है, आपके पास पैसा कितना, वो भाप लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं अभी आशा है, अभी आशा है, वेंटिलेटर पर रखेंगे, उसको एनेस्थीसिया देंगे, अलग अलग यू नो ऑपरेशंस करेंगे और जब तक कि आदमी पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उसको वहाँ रखेंगे।
तो भक्तों के लिए तो ऐसा मृत्यु डरावना है। हम तो चाहेंगे कि हमको भगवान के भक्तों के मध्य में श्रवण कीर्तन होते होते भले हमारी चेतना ना बनी हो श्रवण कीर्तन की, लेकिन भक्तों के द्वारा जो हमको कृपा मिलेगी तो कम से कम कान में तो श्रवण कीर्तन जाएगा थोड़ा मृत्यु के समय पे। और ऐसी डरावनी स्थिति में ऐसा मृत्यु अगर होगा कि जिसके अंदर एनेस्थीसिया दिया हुआ है, हमारी चेतना ऑलरेडी बेकार दी और अर्ध चेतना हो गई है, और फिर उसके अंदर हमारा ऐसे सब मशीनों के ऊपर मृत्यु होगा, तो भगवान का स्मरण कैसे होगा। तो इसलिए व्हील बनाना चाहिए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपना व्हील बनाया है कि अगर उनको कोई शारीरिक तकलीफ हुई वृद्धावस्था में तो उनको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए और उनको मशीनों के ऊपर ना रखा जाए आईसीयू में इत्यादि, भगवान के भक्तों के मध्य में ही उनका देह त्याग हो। तो कौन तैयार है, कौन तैयार है ऐसी मृत्यु के लिए? मृत्यु तो आने वाली है, वो तो निश्चित है, उसमें से हम बच सकते नहीं है। और कभी आएगी, कैसे आएगी उनको पता नहीं है। हालांकि हम मेरे से व्हील भी बनाएंगे तो हॉस्पिटल में नहीं तो कहीं और भी मर सकते एक्सीडेंट में, लेकिन कम से कम ऐसी तो तैयारी करे कि भाई इच्छा तो करे कम से कम कि भगवान के भक्तों के मध्य में हमारा। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे वहाँ भरूच में एक जगह पे एक बार ऐसा हुआ कि माता पिता पति पत्नी दोनों महाराज के दीक्षित भक्त थे, वृद्ध भक्त, और बहुत ही अच्छे भक्त थे, हर रोज मंगल आरती विदाउट फेल। और फिर माता को कोई तकलीफ हुई, शारीरिक तकलीफ, तो बच्चे सब आ गए, बच्चे भक्त नहीं थे, तो बच्चे ने प्रभु जी के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं नहीं हमको तो माता को बचाना है, हमको ले जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में फिर तो पता है आपको डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टरों ने पूरा माता को परेशान किया और बाद में लास्ट में बोल दिया कि अभी कोई आशा नहीं है। हाँ, तो प्रभु जी साथ में थे, अंतिम समय में उनको अंदर बुलाया गया तो प्रभु जी ने कम से कम तुलसी पत्र रख दिया मुँह में और कीर्तन किया थोड़ा और उनका देह त्याग हुआ। लेकिन अगर ऐसा हमारे जीवन में भी निर्णय तो हमारे हाथ में नहीं होगा, जब ऐसी स्थिति होगी तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वही निर्णय करेंगे, और वो तो सब भौतिकवादी है तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे चलो चलो, नहीं तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि आपने पिता के लिए क्या किया, आपने माता के लिए क्या किया। उनको तो ऐसा ही है कि हमारे माता पिता जो है उनके लिए हमको कुछ दिखाना है, दिखावे के लिए बस, दिखावे के लिए, या फिर भौतिक आसक्ति के कारण हमको दिखाना है कि हमने बहुत प्रयत्न किया उनको बचाने के लिए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये प्रयत्न नहीं करेंगे कि भक्तों को लाए, भक्तों के द्वारा उनका संग हो, देह त्याग हो। तो अगर विल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से अगर मेरा ही ऐसी स्थिति आती है और मेरी विल नहीं है और मेरे रिलेटिव मुझे बोलेंगे कि हमको तो उसको बचाने के लिए जो भी करना है करेंगे, तो कोई भक्त मुझे आके मदद करना चाहते तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ये कैसे किया जाए इसको। तो ऐसी हमको तैयार, मतलब मुख्य वस्तु है कि हमको भगवान का स्मरण करना है, भगवान की भक्ति में प्रगति करनी है और भगवान से आसक्त होना है। वो होगा तो फिर भगवान की कृपा से मृत्यु के समय पे हम जो है भगवान को स्मरण कर सकते हैं। बाकी कोई भौतिक आयोजन भी काम नहीं करने वाला है, लेकिन कम से कम ये जो है हमारे हाथ में है अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या भीष्म व्रत लेना चाहिए हमको? भीष्म व्रत आज के दिन भीष्म व्रत क्या लेना चाहिए? दृढ़ व्रत। क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना बहुत सरल व्रत है वो तो, हालांकि वो भी मुश्किल है बहुत, प्रसाद ही लेना बहुत मुश्किल है, प्रसाद ही लेना और कुछ नहीं लेना वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से वो थोड़ा सरल हो जाता है भक्तों के लिए। भक्ति में आने के बाद आदत पड़ जाती है प्रसाद लेने की। माला भी खींच लेते हैं हम, जैसे जैसे खींच लेते हैं 16 माला कर लेते हैं भक्ति में आने के बाद। लेकिन सबसे कठिन व्रत क्या होता है पता है? पुस्तक पढ़ना। ये प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ना ना, ये शास्त्र पढ़ना, और ख़ास करके आधुनिक जगह में बहुत कठिन हो गया है ये सब, जो चारों ओर जो ये स्क्रीन जो आ गई है ना, सब स्क्रीन ठक 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 ठक, तो ये इसमें इतना सारा समय खींच लेती है
कि हम प्रभुपाद की पुस्तक को शांति से बैठ के सतोगुण में 25-50 मिनट पढ़ नहीं पाते। तो यही व्रत लेना है कि कम से कम मैं आधा घंटा प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ूंगा, आधा घंटा प्रभुपाद की पुस्तक को, एक घंटा प्रभुपाद की पुस्तक को। कुछ शेड्यूल बनाना है कि मेरा भागवतम इतने समय में खत्म हो जाना चाहिए, चैतन्य चैतन्य मेरा इतने समय खत्म हो जाना चाहिए, मैं प्रभुपाद की ये पुस्तक पढ़ूंगा इस साल में, 2024 का नया साल आया है, मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा, ये महीने में ये पुस्तक पढ़ूंगा। तो ये हालांकि मेरी स्थिति बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबकी पता नहीं क्या स्थिति है, आप सब ऑलरेडी बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये व्रत ले सकते हैं हम मकर संक्रांति के दिन। अगली मकर संक्रांति आए उससे पहले पता नहीं हमारा दक्षिणायन में या कृष्णायन में क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम कम से कम भगवान का स्मरण कर लें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, विस्मृतिता महती।